पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को दिल्ली कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया है। दीक्षित के नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अजय माकन ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दी है। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के दौरान प्रदेश में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। वाणिज्यिक कर, उत्पाद शुल्क, वाहन कर, स्टाम्प पंजीकरण शुल्क, खनन, जल कर में ये घोटाला किया गया। इस वजह से प्रदेश के सरकारी खजाने को कुल मिलाकर 6,270 करोड़ का नुकसान हुआ। जीएसटी काउंसिल ने छोटे कारोबारियों को राहत दी है। गुरुवार को काउंसिल ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट के लिए सालाना टर्नओवर की लिमिट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए करने का फैसला लिया। उत्तर पूर्वी राज्यों के कारोबारियों के लिए ये लिमिट 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। सवर्णों को नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने से जुड़े विधेयक को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। यूथ फॉर इक्वलिटी नाम के एनजीओ ने कोर्ट में याचिका दायर की। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। पिछले हफ्ते इस पर करीब 2 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान लालू के वकील कपिल सिब्बल ने उनकी बीमारियों और उम्र का हवाला दिया था। वहीं सीबीआई के वकील ने लालू की जमानत याचिका का विरोध किया। कुंभ मेले में गुरुवार से अक्षयवट आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पूजा अर्चना की, अक्षयवट की परिक्रमा लगाई। यहां से वे सरस्वती कूप पहुंचे, जहां सरस्वती मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वह राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करेंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह राज्य के योगदान की अनदेखी कर स्वास्थ्य योजनाओं का सारा श्रेय खुद ले रहे हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को कहा कि सरकार सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को सुने बगैर सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें हटा नहीं सकती। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर सरकार आलोक वर्मा को हटाती है तो समस्या सुलझने के बजाय और बदतर हो जाएगी। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने गुरुवार को वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सेना के अंदर किसी भी कीमत पर समलैंगिकता को लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने आगे कहा कि सेना के अपने कुछ नियम कायदे हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए। और अब बात शेयर मार्केट से। भारतीय शेयर बाजारों में गुरुवार को मिलाजुला रुख देखने को मिला। दिनभर के कारोबार के बाद बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का बीएसई 106 अंकों की गिरावट के साथ 36,106 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 33 अंकों की गिरावट के साथ 10,821 पर बंद हुआ।